फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, विच इज़ माई गार्डन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई बैक गार्डन। ये है ब्लूबेरी का प्लांट। इसमें अभी तक ब्लूबेरी एक आया है ऐसे। ये प्लांट अभी काफ़ी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा कि आई होप इसमें काफ़ी सारा ब्लूबेरी आएगा। और ये है ब्यूटीफुल येलो कलर का प्लांट, इसका नाम है कोरियोसिस ग्रैंडिफ्लोरा। आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हुआ है। ये सेंटेड नहीं है लेकिन ये बहुत सुंदर है। और ये है और एक प्लांट, इसका नाम है स्वीट विलियम। मेरे पास दो कलर का है, एक है पर्पल, दूसरा है पिंक। और फ्रेंड देखिए इसमें कितना अच्छा हैवी फ्लावरिंग हुआ है और ये बहुत ही हाईली सेंटेड है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है पैंसेस। ये मेरे पास ये मल्टी कलर का है। ये है डेफनी इटर्नल फ्रेग्रेंस, इसका ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंटेड है और ये पूरे ईयर उसका फ्लावरिंग होता रहता है। ये है अल्पाइन ग्रुप ऑफ प्लांट, इसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होता है। ये है फिशिया, मेरे पास सिर्फ एक ही कलर का है। ये है मेरा और एक फेवरेट प्लांट गौरा, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है और इसका फ्लावर ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है ये बटरफ्लाई जैसा है इसका फ्लावर। ये दो है डायनथास का प्लांट। और मेरे पास ये दो प्लांट है, ये दो प्लांट, इसका नाम है डेल्फिनियम। ये थोड़े से टॉक्सिक है लेकिन इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर है देखने में। मेरे पास दो कलर है, एक है पर्पल एक है वाइट। वाइट में अभी तक फ्लावरिंग हुआ नहीं है। और ये है एक और एक प्लांट, इस ये भी कोरियोप्सिस ग्रुप का प्लांट है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ये 4 साल से मेरे पास है। इसमें ज़्यादा इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, विंटर के बाद ही अपने आप हो जाता है। ये दो प्लांट है मेरे पास, ये प्लांट का नाम है सिल्विया। इसके फ्लावर में तो कोई स्मेल नहीं होता लेकिन उसकी जो पत्ते हैं ये बहुत ही सेंटेड होता है। ये तुलसी के पत्ते के जैसा स्मेल है उसका, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये मेरे पास दो कलर है, एक है रेड और दूसरा है पिंक। ये है एरिनारिया मोंटाना, इसका भी फ्लावरिंग हो रहा है अभी। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी जगह खाली पड़ा है। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मैं शॉप जा भी नहीं पाई और प्लांट ला भी नहीं पाई। ये एक एवरग्रीन प्लांट है, इसमें हमेशा पत्ता ऐसा ही रहता है और इसमें हो रहा है फ्लावरिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि फ्लावर्स आ रहे हैं, ये ऐसा लगता है मुझे। मैंने अभी तक इसका फ्लावर्स देखा नहीं है। फ्रेंड ये जो प्लांट है इसका नाम है एस्टर, इसका फ्लावरिंग होता है लेट समर को और काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होता है इसमें। यहाँ पर और दो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है कैमिलिया। यहाँ पर दो कलर है, एक है पिंक और दूसरे में फ्लावरिंग होता है वाइट कलर का। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है ड्रैगन फ्लावर, मेरे पास सिर्फ दो ही कलर है। ये काफ़ी मल्टी कलर्स में आता है लेकिन मेरे पास सिर्फ दो ही है। ये मेरा रोज का कलेक्शन, ये येलो कलर का है। ये ज़्यादा हाईली सेंटेड तो नहीं है लेकिन हाँ माइल्ड सेंटेड है।
देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके में फ्लावरिंग हुआ है। ये है छोटे छोटे रोज़ का कलेक्शन। ये जो रोज़ का प्लांट है, इस टाइप की रोज़ के प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन बहुत ही सुंदर होता है इसका फ्लावरिंग। तो ये कुछ है मेरे पास, दो तीन कलर है मेरे पास। ये है मेरा फेवरेट रोज़, देख रहे हैं, ये है मेरा फेवरेट रोज़। ये बहुत ही अच्छा है, ये इतने ज़्यादा हाईली सेंटेड है ना कि सिर्फ दो ही रोज़ आप लाकर अपने रूम में रख दोगे ना तो 24 आवर्स आपका रूम महकता रहेगा, इतना अच्छा हाईली सेंटेड है। और ये मेरी डॉटर का पसंदीदा प्लांट है। ये है क्रोकोसमिया, मेरे पास दो तीन कलर्स है उसके उसका। इसमें अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स हो रहा है। ये है बैम्बू का प्लांट और ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट प्लांट है बैम्बू। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोगों की बैठने की जगह, मेरी गार्डन फर्नीचर। यहाँ पर जब सनशाइन आता है तो हम लोग सारे तीनों इकट्ठे यहाँ पर बैठ जाते हैं विटामिन डी के लिए, बिकॉज यहाँ पर सबको विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। सनशाइन बहुत ही कम होता है और हमको विटामिन डी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये है मेरा गार्डन फर्नीचर, गार्डन में बैठने का जगह। हम यहाँ पर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा फन करते हैं, इंजॉय करते हैं और आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर बैठकर। ये मेरे पास और एक प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसका नाम है जैस्मिन। इसमें देख ही रहे हैं आप, इसमें फ्लावरिंग हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंटेड है ये जैस्मिन। ये है शेड, यहाँ पर हम रखते हैं हमारी जो गार्डन की जो सामान होता है, गार्डन को मेंटेनेंस करने के लिए जो सामान होता है वो हम इसके अंदर रखते हैं। और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे जो चीज़ होते हैं तो हम ये इसके अंदर रखते हैं, बिकॉज स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गार्डन की सामान पता नहीं कैसे हम लोगों के पास इतना ज़्यादा हो गया कि अब रखने के लिए मुझे लगता है कि ये भी छोटा पड़ने वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब और एक एवरग्रीन प्लांट, ये मैंने यहाँ पर रखा है इस कॉर्नर को एक अच्छा सा लुक्स देने के लिए। ये मेरा और एक फ्लावर बेड है, इसका नाम है एजालिया। इसमें फ्लावरिंग हो चुका है, इस साल का फ्लावरिंग हो चुका है इस पर। इसकी मुझे तो नाम नहीं पता, इसका नाम है कैम्पानोला। ये दो कलर का है मेरे पास, एक है वाइट और दूसरा एक पर्पल, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो प्लांट है ये एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा 12 महीने ऐसा ही रहता है। और ये दो प्लांट है, इसका नाम है ये अल्पाइन ग्रुप ऑफ प्लांट है। बेसिकली लोग इस तरह के प्लांट अपना रॉक गार्डन में लगाते हैं। ये है और एक ब्यूटीफुल प्लांट, इसका बहुत ही अच्छा नाम है, इसका नाम है इंडियन समर। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होता है और ये मेरी हस्बैंड का एक बहुत ही फेवरेट प्लांट है। इसको मेंटेनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये विंटर के बाद अपने आप ही हो जाता है और काफ़ी अच्छा फ्लावर्स होता है इसमें। और यहाँ पर मैंने लगाए हैं प्राइम रोज, दो तीन चार कलर के, अभी इसमें पूरा फ्लावरिंग हुआ नहीं है, हो रहा है। इस प्लांट का नाम है डेफनी ओडोरा, ये भी हाईली सेंटेड फ्लावर है और मैंने अब तक इसका फ्लावर देखा नहीं है।
ये है गार्डनिया यानी गंधराज। ये प्लांट अभी बहुत छोटा, इसमें एक फ्लावरिंग हुआ है और काफ़ी सेंटेड है। जैसे गंधराज का प्लांट जितना सेंटेड होता है वो उतना ही सेंटेड है, और ये फ्रॉस्ट में भी सर्वाइव कर देता है। तो फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मेरे गार्डन की जो सेंटर व्यू है वहाँ पर। ये है मेरी गार्डन का सेंटर पॉइंट। यहाँ पर मैंने बुद्धा का स्टैचू रखा है, यह वाइट कलर का बुद्धा का स्टैचू मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स है, इसका नाम है कैंपनुला। मैंने पहले आपको दिखाया था वाइट कलर का, यह है पर्पल कलर का। इसका नाम है ऑक्सलेट सनी। ये जब सनशाइन होता है उसका फ्लावर खिल जाता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है सीडम, और ये पैंसेस है, इसमें सीड। देखिए किस तरह से यहाँ इसका सीड होता है, यानी एक ही फ्लावर से काफ़ी सारी फ्लावर्स हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो रहा है, 2-3 वीक के बाद इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुका है, काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हुआ है यहाँ पर। आज वेदर बहुत ही ज़्यादा विंडी है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बैक गार्डन। आपको मेरा ये बैक गार्डन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।